eThinks ऐप आपके बिजनेस को ग्राहक से सीधा कनेक्ट करेगा और ग्राहक घर बैठे आपकी सेवाओं का लाभ उठा सकेगा। eThinks ऐप आपके बिजनेस या कौशल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेकर जाएगा, आपकी पहुंच बढ़ाएगा। आज ही eThinks ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और फ्री में अपने बिजनेस या स्किल को रजिस्टर कीजिए। मध्य प्रदेश में अब दमोह विधानसभा सीट से उपचुनाव की तैयारी है और ई किला ने राजनीतिक दलों ने अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। यही कड़ी में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह दमोह पहुंचे। इतने भी तमाम लोगों से और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के निवास पर पहुंचे और इतने उनने बुंदेली बौछार से खास बातचीत में आरोप लगाओ कि कमलनाथ सरकार की योजनाओं और कार्रवाइयों से घबरा के भाजपा ने सरकार गिराई थी। जनता ने कांग्रेस पार्टी को जिताया था और लोग बाग ऊब चुके थे भारतीय जनता पार्टी कुशासन से। कमलनाथ जी ने किसानों का कर्जा माफ करने की प्रक्रिया शुरू की, कर्जा माफ भी किया, गरीबों को सस्ती बिजली भी दी, किसानों को भी बिजली का बिल आधा कर दिया। उसके बाद जो भूमाफिया और मिलावटी काम जो करते थे उन लोगों के खिलाफ जब कार्रवाई शुरू की, व्यापम की कार्रवाई शुरू की, ई टेंडरिंग पे कार्रवाई शुरू की, सेल्स के भ्रष्टाचार पे शुरू की, तो इन्होंने जो अकूट धन इन्होंने कमा लिया है उसको उन्होंने हमारे विधायकों को खरीदने का जो सिलसिला शुरू किया उससे हमारे विधायक बिके और ये सरकार हमारी नहीं रही। दिग्विजय सिंह को नर्सों और डॉक्टरों ने ज्ञापन भी दिए और उनको आरोप है कि कोविड जैसी महामारी के दौरान मध्य प्रदेश की सरकार चिकित्सा शिक्षा से जुड़े लोगों को नौकरी से निकाल रही है। ये दिन पर दिन कोरोना अपने प्रभाव अपने पैर पसारते जा रहा है। दिन पर दिन इसके प्रभाव से आके लोगों की मृत्यु होती जा रही है। इसके बावजूद मध्य प्रदेश शासन ने स्टाफ नर्स की छटनी करते हुए छटनी कर दी है और हर महीने 30-30 दिन का एक्सटेंशन देने को जा रही है। अब अगली बारी डॉक्टरों की है, तो इसी तरीके से अगर स्टाफ की छटनी करेंगे तो मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पूर्ण रूप से वेंटिलेटर पर आ जाएंगी। दमोह विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लाने अभय कोनू अधिकारी के ऐलान नहीं भाव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपने अपने तरीके से समीकरणों को देखने में जुट गई है। हटा से रविकांत बिदोलिया, बुंदेली बौछार के लाने। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लाने सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।